अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक से होंगे। आज भी तीन, मैंने आपको कल बताया था, बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े की चीज़ें बनाऊंगी आप लोगों के लिए। स्पेशली वही कोशिश में लगी हुई हूँ, दिन रात कामों में, दिन रात यही बस चल रहा है कि जल्दी जल्दी बनने वाली, कम चीज़ों से बनने वाली रेसिपीज़ बताऊँ। एंड मुझे इतनी खुशी होती है, वो कहते हैं ना जब आपको एप्रिसिएशन मिलती है तो सारी थकान दूर हो जाती है, सारा स्ट्रेस चला जाता है, और हकीकत में यही हो रहा है। क्योंकि जो हमारी रेसिपीज़ हैं, जो मेरी रेसिपीज़ मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, वो आप लोग जिस प्यार से ट्राई कर रहे हैं और जिस तरह से पसंद कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि इतनी मेहनत से, इतने प्यार से आप लोग ख़ास तौर से वो रेसिपीज़ की पिक्चर लेके और मुझे भेजते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। इसी तरह ही आप लोग ट्राई करते रहें, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग देखें कि आप ही लोगों के लिए ये सारी मेहनत, आप ही लोगों के लिए। कुकिंग शो आके करना, सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी आप पुरानी रेसिपी उठा लें, निकाल लें, करा दें, हर किसी का तरीका फ़र्क होता है, और जब एप्रिसिएशन मिलती है तो फिर दिल और चाहता है कि मेहनत की जाए। फिक्र आप लोगों ने और नहीं करनी है। एक हफ़्ता, नेक्स्ट पूरा वीक भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। जिस तरह आप लोग प्यार से इतना फरमाइश करते हैं कि एक शो होना चाहिए, हफ्ते में एक दिन आना चाहिए और होना चाहिए, तो अभी है, पूरा एक वीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, मेरे साथ एक छोटा सा धोखा हुआ था कि मुझे ये बताया गया था मम्मी ने कि वो थ्री, मतलब मुझे पता था ऑब्वियसली कि उनकी ट्रैवलिंग डेट्स क्या हैं, लेकिन बस वो था कि कुछ मैं भी नहीं थी यहाँ पर, मैं भी ट्रैवल करी थी, वापस आई तो इस तरह उन्होंने कहा कि काम वगैरह करना है इस तरह। तो एनीवेज अब मुझे पता लगा कि नेक्स्ट वीक करना है, तो मैंने अपना 3 वीक का प्लान दिया हुआ था इनिशियली, जो कल तक, फ्राइडे तक फिनिश हो जाएगा। अब मुझे 3 दिन पहले जब पता लगा कि नेक्स्ट भी पूरा वीक करना है, वो रिकॉर्डिंग्स नहीं उनकी चलेंगी, तो मैंने फिर सारी दोबारा से बैठ के रेसिपीज़ निकाली। तो कहने का मकसद ये है कि नेक्स्ट वीक के लिए भी बहुत ज़्यादा मैंने, आई थिंक सबसे ज़्यादा मेहनत नेक्स्ट ही वीक के लिए हुई है, क्योंकि टाइम कम था। मंडे से लेके मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन, ट्यूसडे आप लोगों को पता है शेफ़ अरशद होते हैं, उसमें भी एक फरमाइश रंजीता की, हमारी बहरीन से फरमाइश थी केक की, फ्रूट केक की, तो वो हम बनाएंगे। मंडे को एक बहुत मज़े का पीच का मीठा मैंने दिया है, और कराची में अभी आप समझें अबाउट 4, 5, 6 मंथ्स पहले बहुत ज़बरदस्त एक कैफ़े खुला है। एवरीबडी नोज़ अबाउट इट, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, उसकी रेसिपीज़ वगैरह बहुत मज़े की हैं। तो वहाँ की मैंने एक चीज़ खा के एंड आई थॉट कि वो मैं चले आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्लिप्टन पे खुला है एक कपड़ों के आउटलेट के साथ, एक समझ ही गए होंगे आप लोग, तो वहाँ की एक रेसिपी है। और वेडनेसडे सूरी की रेसिपीज़ के साथ मैंने दोबारा से देसी ही चीज़ें दी हैं, बिकॉज मुझे था कि मैं देसी ही सिखाऊं। कॉन्टिनेंटल चाइनीज़, थाई वगैरह आप लोग सीखते रहते हैं, तो अगेन वी विल यूज़ ऑल सूरी सॉसेज और हम देसी ही चीज़ें बनाएंगे। तो एनीवे इंशाल्लाह आई होप आपको नेक्स्ट वीक का मेन्यू भी पसंद आएगा। अभी रिजवान भाई हमारे अपलोड कर देंगे मेन्यू, तो आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, बस मुझे यही थैंक यू आप लोगों को बोलना था और यही कहना था कि नेक्स्ट वीक भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। कोकोनट डिज़र्ट की जिसने फरमाइश की थी, मैंने कल बताया था कि आज हम बना रहे हैं बहुत मज़े का कोकोनट चॉकलेट मैक्रून पाए। कोकोनट मुझे भी बहुत पसंद है, एनी फॉर्म, एक कोकोनट और एक पाइनएप्पल आप किसी भी फॉर्म में मुझे दे दें, तो आज हम बनाएंगे कोकोनट का जो मीठा, वो हम मैक्रून से बनाएंगे। मुझे नहीं पता शेफ़ अरशद ने आप लोगों को मैक्रून सिखाए हैं या नहीं, बट वैसे आप लोगों ने ज़ाहिर है सीखे होंगे, मैंने भी अपनी क्लास वगैरह में सिखाए हैं। बहुत इजी, वही वाली चीज़ होती है कि हम लोग उसको इतना ज़्यादा हवा बना लेते हैं कि ये कैसे बनेगा, लेकिन बहुत सिंपल है मैक्रून्स भी घर में बनाना। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बेकरी के ही हैं, मेरे बाज़ार के ही हैं, मेरे पास आज बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं ये बैठ के घर में बनाती, बट ये घर में बहुत आराम से बन जाते हैं और इतने सारे बन जाते हैं थोड़े से अंडों में। तो हम ये बनाएंगे कोकोनट चॉकलेट मैक्रून पाए। इसके लिए आपने करना क्या है कि मैक्रून्स आपने लेने हैं अबाउट 2 कप, 2 कप मैक्रून्स लेके, और इसमें हम डालेंगे बटर मेल्ट करके, और फिर जिस तरह हम लोग नॉर्मल अपनी पाई प्लेट में इसको अरेंज करते हैं उसी तरह हम इसको अरेंज करेंगे, और फिर इसकी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग सिर्फ बीट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। फिलिंग इतनी मज़े की इसकी बनेगी, उसमें हम डालेंगे हेज़लनट स्प्रेड, जो हमारा चॉकलेट का होता है। अगर हेज़लनट स्प्रेड नहीं है, आजकल मार्केट में बहुत शॉर्ट हुआ हुआ है,
एक तो शॉर्ट भी हुआ हुआ है और उसके अलावा प्राइसेस उसकी डबल ट्रिपल हुई हुई हैं. तो अगर हेज़लनट स्प्रेड नहीं है तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है, आप यूज़ करेंगे इटालियनो का चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट. आप उसको मेल्ट करके डबल बॉयलर पे, मैंने आपको बताया है डबल बॉयलर पे किस तरह मेल्ट करते हैं, वो आप मेल्ट करके और फिर आप चॉकलेट यूज़ करोगे. यहाँ पे मैं बटर मेल्ट कर लेती हूँ अपना, 4 ounces बटर है. सारी चीज़ों को एक साथ डाल के बोल में और मैं मिक्स करूँगी. उसमें मेरे पास क्रीम है, हेज़लनट स्प्रेड है और जो कोकोनट की बहुत हमारी पॉपुलर एक चॉकलेट होती है वो है. यहाँ पर 1 cup मैंने चॉप की हुई है, वो उसके ऊपर जाएगी और क्रीम चीज़ जाएगी. ठीक है, ये सारी चीज़ों को और नॉट टू फॉरगेट इटालिया का मिल्काना कंडेंस मिल्क. ठीक है, ये मैं यूज़ करूँगी इसमें. तो आप देखिए कितना मज़े का ये और चॉकलेट सॉस. अच्छा, अगर आप लोग चॉकलेट सॉस यूज़ इटालियनो का चॉकलेट यूज़ कर रहे हो तो फिर आप चॉकलेट सॉस ओमिट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फिर आप वो यूज़ करें. यहाँ पर जेलेटिन, आप लोग देखोगे आपको रेसिपी कार्ड में जेलेटिन नज़र आएगी. जेलेटिन ऑप्शनल है, मैं इसलिए डालूंगी क्योंकि मुझे आपको पता है जल्दी होती है एंड आई वांट कि मैं उसको डेकोरेट करके आप लोगों को उसकी फ़ाइनल शक्ल दिखा दूं, सो दैट आप लोग जब घर में बनाएं अपने दावत में जिस तरह भी तो आपको पता होना चाहिए कि उसको किस तरह सर्व करना है. आप और हमेशा मैं यही बताती हूं कि आप लोग जब मीठा बनाएं दावत के लिए या घर के किसी ओकेजन के लिए तो एक दिन पहले बना लिया करें, उसका रिज़ल्ट हर हमेशा अच्छा होता है. स्पेशली अगर सेट करने वाला मीठा है तो वो आप लाजमी एक दिन पहले, तो ये भी उन्हीं मीठों में से एक है जो आप एक रात पहले बना लें, बेशक अगले दिन लंच के लिए चाहिए या डिनर के लिए चाहिए. तो फिर आप लोग अगर एक दिन पहले बनाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है इसमें जेलेटिन डालने की. मैं डालूँगी क्योंकि आई वॉन्ट कि मेरा सारा जो मिक्सचर है वो सेट हो जाए, तो मैं उसको फिर डेकोरेट करके आपको दिखाऊँगी. अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक बहुत जल्दी आ जाती है. मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं अभी सिर्फ ये मैक्रून्स जो हैं आपके सामने, 2 cup मैक्रून्स लिए, 4 ounces बटर लिया, इसको मैं अपनी पाई प्लेट में किसी भी 8-9 inches की नॉर्मल रेगुलर पाई प्लेट में इसको अरेंज करके बाकी जो मेरे सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं अंदर की फिलिंग बनाने के लिए जिसमें क्रीम है, क्रीम चीज़ है, वो सब मैं इधर एक जगह इकट्ठा करती हूँ. तब तक आप लोग ब्रेक से वापस आ जाए, स्टे विद अस. वेलकम बैक. यहाँ पर मैं अपना जेलेटिन डिसॉल्व कर रही थी. जेलेटिन भी आया हो आप लोग सबको आता है डिसॉल्व करने, उसको बॉईल नहीं देना होता है, बस हल्का सा उसको आपने पहले पानी डाल के और मिक्स कर लिया, जब वो प्रॉपर मिक्स हो गया फिर आपने चूल्हा जला लिया, वरना उसकी सेटिंग का वो जो पावर होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर इसमें आप बॉयल दे दो ना इसको. अच्छा, आज का सवाल, आज का सवाल आपने ये है, आपने ये बताना है कि घर में ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं. आप लोगों ने ये बताना है कि घर में ब्रेड क्रम कैसे बनाते हैं, और जो सही जवाब आप लोग देंगे उनको मिलेगी एनिक्स की तरफ से इस्त्री. अच्छा, ये हो गया है, इसको मैं बंद कर रही हूँ. अब यहाँ पर मेरे पास है व्हिप्ड क्रीम 1.5 cup, ठीक है, और इसमें मैं डालूँगी कोकोनट एसेंस 1/2 teaspoon. ये बहुत आराम से मिल जाता है, नहीं है तो आप वेनिला भी डाल सकते हैं. ये आपने देखे मैक्रून्स मैंने यहाँ पर अपनी पाई प्लेट में अरेंज कर दिए हैं, इसके ऊपर मैं डालूँगी चॉकलेट, कोकोनट वाला जो चॉकलेट है,
एक कप। डेकोरेशन के लिए ऊपर मेरे पास दो बार्स हैं, उनको मैंने चॉप नहीं किया है। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ, सलाम अलैकुम। मेरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप पहले कैसी हैं? मैं आपको विश करूंगी आपकी बेटियों की बर्थडे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उस दिन से कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, लगी नहीं, लेकिन आज लग गई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं कंफ्यूज रही कि यानी कि अल्वीना और अलीना, अलीना दोनों की बर्थडे, जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा आज का सवाल का जवाब भी मैं दूंगी। जी जी, ब्रेड क्रम्स यानी कि ब्रेड से बनाए जाते हैं, अगर आप फ्रेश ताजी ब्रेड ले लें उससे भी बना सकते हैं, और जैसे बच जाती है तो ब्रेड के पीस वगैरह, हाँ, तो उनको भी आप जमा करके सेव करके रख लें, तो उनसे भी आप बना सकते हैं। चॉपर में कुछ अपराइज कर लें, ठीक है, और एयर टाइट डब्बे में सेव करके रख लें, और अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो हमें पिंच ऑफ कलर डाल के उसको मिक्स कर, येलो कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। और यही तरीका मैं तो यही यूज करती हूँ। और एक चीज मैं जो उसमें कहती हूँ आप लोगों को डालने के लिए, वो क्या है? नहीं, जिससे खूबसूरती, कलर नहीं, कोई पसंद करता है कोई नहीं करता, नहीं नहीं कलर नहीं, कलर नहीं, फ्राई करने के लिए एक चीज मैं डालती हूँ खूबसूरती के लिए, सॉरी लाइन ड्रॉप हो गई, वो सवाल में इंक्लूडेड नहीं था, आप उसकी टेंशन नहीं लें, तो वैसे ही मैं पूछ रही थी आपसे। मुझे एक चीज़ ब्रेड क्रम्स में डालने का बहुत, मतलब उसका एक खूबसूरती आती है, जब आप फ्राई करते हो ना अपनी कोई भी चीज़, तो वो उसमें डला हुआ हो तो अच्छा लगता है। हेज़लनट स्प्रेड चला गया, कोकोनट एसेंस चला गया इसमें, चॉकलेट सॉस चली गई, क्रीम चीज़ हमारी चली गई। मैंने आपको बताया अगर आपके पास हेज़ल नट स्प्रेड नहीं है किसी भी रीज़न से, तो आप इटालियानो का मिल्क चॉकलेट मेल्ट करके डाल सकते हैं, और अगर आप मिल्क चॉकलेट डालेंगे तो फिर आपको चॉकलेट सॉस डालने की भी ज़रूरत नहीं है। कोकोनट मैक्रूनस हमने दो कप लेकर उसमें हमने चार राउंड मेल्टेड बटर लेके वो अपनी पाई प्लेट में सेट कर दिए, उसके ऊपर एक कप कोकोनट वाला चॉप्ड चॉकलेट डाल दिया, साथ मैंने क्रीम विप की भी यहाँ पर ली है डेढ़ कप, चॉकलेट सिरप आधा कप, जेलेटिन यहाँ पर मैंने डिसॉल्व कर ली है एक टेबल स्पून क्वार्टर कप पानी में, सबसे मेन इन्ग्रीडियंट तो मैंने अभी डाला ही नहीं है, मिल्क आना का कंडेंस मिल्क। अच्छा, ये हमारा उस दिन का यूज़ हुआ हुआ है, ये आप लोग क्यों नहीं समझना ख़राब है, ये वो है केक है, शेफ अरशद ने, आप लोगों को याद होगा मैंने उनसे सवाल किया था कि वो इससे क्यों सोक करते हैं कंडेंस मिल्क से, तो उन्होंने वो कहा था, उन्होंने नाइफ से ये किया था। तो हमारा चॉकलेट केक है इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, सिंस अभी ये मौका है और मैं इत्तेफाक से यही काम मैं कर रही हूँ, कि कोशिश करके ना कैन में चीज़ें ना रखा करें, कोई भी कैन आप खोलो उसको यूज़ कर लिया जो भी, और फिर उसके बाद आप किसी भी अपने एयर टाइट बॉक्स में या पायरेक्स के डब्बे में अपनी चीज़ जो भी आपका फ्रूट है दूध है उसको आप एयर टाइट बॉक्स में निकाल के और फिर उसमें स्टोर कर लो। अब ये सारी चीज़ों को मैं एक साथ बीट करूँगी, बीट करने के बाद लास्ट में मैं इसमें जेलेटिन मिलाऊँगी, वो मैं मिला रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है, आप लोग अगर घर में एक रात पहले बनाओगे तो फिर जेलेटिन डालने की ज़रूरत नहीं है। कोकोनट एसेंस नहीं है, आप लोग वेनिला एसेंस डाल सकते हैं, वैसे कोकोनट एसेंस अब बहुत आराम से मिल जाता है। बीट इसको अच्छे से करना है क्योंकि इसमें क्रीम चीज़ है ना, तो क्रीम चीज़ के लम्प्स नहीं आने चाहिए, स्मूथ बिल्कुल होना चाहिए। ये बस हो गया है, अब मैं आखिर में इसमें फोल्ड करूंगी जेलेटिन, वन टेबल स्पून जेलेटिन डिजॉल्व इन क्वार्टर कप वाटर, ठीक
ये जाएगा हमारे मैक्रून्स और चॉकलेट के मिक्सचर पे। इस मीठे की भी यही खासियत है कि ये जितना ठंडा होगा उतना मज़े का लगेगा। ये मुझे ये मैं भी निकालती हूँ। अच्छा, ब्रेक का भी टाइम आ गया है। मैं इसको पूरा फिनिश करके इसको मैं डालूंगी फ्रिज में। ये देखें आप, अभी से ये सेट हो रहा है। इसको मैं डालूंगी फ्रिज में, फ्रिज में ही डालूंगी, फ्रीज़र में डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैंने जेलेटिन अच्छी क्वांटिटी में डाल दिया है इसमें। तो ये आराम से 45 मिनट्स में सेट हो जाएगा और फिर हम इसको डेकोरेट कर देंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, अभी दो और बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं। जल्दी से ब्रेक लेके वापस आ जाइए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मैं यहाँ पर गार्लिक ब्रेड बनाकर लाई थी। मैंने कहा मैं अपने प्लेटर में और अपनी ब्रेड बास्केट में वो डाल दूँ। अच्छा, मैं जल्दी से रिकैप कर देती हूँ अपने कोकोनट मैक्रून पाई का। उसको हमने क्या किया था उसके लिए, कोकोनट चॉकलेट मैक्रून पाई, उसके लिए आपने कोकोनट मैक्रूनस लेने हैं। आप लोग कहेंगे कि मैं सारा वक्त ये कह रही होती हूँ कि घर में बनाएं घर में बनाएं, आज मेरे पास टाइम नहीं था, बट कभी कभी हो जाता है। बट येस, आई वुड डेफिनेटली से कि प्लीज़ बाज़ार से चीज़ें लेना बंद कर दें। एक दो दिन से ये और चीज़ें आ रही हैं, अब आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है। बहरहाल सुनने में आ रहा है कि ये अच्छे खासे बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो हैं वो सील किए जा रहे हैं, बिकॉज वो क्या क्या कुछ बेच रहे हैं और हमें खिला रहे हैं। तो खुदा के लिए ना करें ये, बच्चों को ना बाहर का खाना खिलाएं, घर में बनाएं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन मसाला चैनल लगा हुआ होता है, सारी एक से बढ़ के एक रेसिपीज़ आप लोगों को सीखने को मिलती हैं। मीठा चला गया फ्रिज में। कोकोनट मैक्रून्स मैंने लिए थे 2 कप, उसके अंदर मैंने 4 ounces डाल दिया बटर और उसको मेल्ट कर दिया। बटर मेल्ट करके, मेल्ट करने के बाद उसमें मैंने कोकोनट मैक्रून्स में डालकर और उसको मैंने अपनी पाई प्लेट में सेट कर दिया। जब वो पाई प्लेट में सेट हो गया, उसके ऊपर मैंने 1 कप चॉकलेट, कोकोनट वाली जो चॉकलेट होती है इम्पोर्टेड वाली, वो लेकर फाइनली चॉप करके वो पूरा उस पर कवर कर दिया। साथ मैंने 1.5 कप क्रीम ली, फ्रेश क्रीम व्हिप्ड, उसके अंदर हमने 4 tablespoons इटालिया का मिल्काना कंडेंस मिल्क डाला, 1/2 cup या 100 grams आप उसमें क्रीम चीज़ डालोगे या 4 squares डालोगे आप, वो डाल दिए। कोकोनट एसेंस डाल दिया मैंने, चॉकलेट सिरप डाल दिया 1/2 cup, हेज़लनट स्प्रेड डाला 4 tablespoons। ये सब कुछ डाल के उसको अच्छे से बीट किया। बीट करने के बाद उसमें आखिर में 1 tablespoon जेलेटिन डिज़ोल्व इन 1/4 cup वाटर, ये सब कुछ डालकर और उसको आपने अपने चॉकलेट और मैक्रून के ऊपर मिक्सचर पे डाल के इस मिक्सचर को आपने फ्रिज में रख दिया उसको सेट करने के लिए। जब ये सेट हो जाएगा तो यहाँ पर जो मेरे पास चॉकलेट है इससे और थोड़े से क्रश मैक्रूनस मैंने बचा लिए थे, इसके साथ मैं उसको डेकोरेट करूँगी एंड थोड़ी सी क्रीम पाइप कर देंगे। अब हम यहाँ पर बनाएंगे फायर चिकन स्टिक्स। ठीक है, ये भी बहुत मज़े की है और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। चिकन स्टिक्स बहुत ज़्यादा बच्चे शौक से खाते हैं और बहुत रेसिपीज़ भी हैं। मेरी एक जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रेसिपी है चिकन स्टिक्स की, ये दूसरी नंबर पे है। फर्स्ट पे है रेशमी चिकन स्टिक्स, सिखा दूँगी वो भी, बट एक्चुअली वो मेरी केटरिंग की बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना हिट आइटम है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करके डाला है। ये भी आप यकीन करें, ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है।
अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाएंगे फायर चिकन स्टिक्स। इसके दो तीन छोटे छोटे स्टेप्स हैं, एक ये कि एक मैं इसकी सॉस बनाऊंगी बाद में, पहले चिकन मैरिनेट करूंगी। सॉस हम इसी बॉटल में डाल के, आई थिंक किसी एक प्लेटर वगैरह में भी हमने इसी से ड्रिजल किया था, उसी तरह ये वो होगी, सर्व होगी। और इसकी हम बनाएंगे बघार, तो फिर बघार में हम इन स्टिक्स को रोज सौते करेंगे, उसके ऊपर से फिर हम इसमें सॉस डालेंगे। अभी मैं इसको मैरिनेट करूंगी एक अंडे से, आधा किलो आपने चिकन के क्यूब्स लेने, ठीक है, और उसमें मैं डालूंगी एक अंडा, और मैं इसमें डालूंगी मैदा और कॉर्नफ्लावर। चावल का आटा भी है इसमें, बट चावल का आटा मैं ऊपर से डस्ट करूंगी। मैदा मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून, और कॉर्नफ्लावर मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून। कॉलर है हमारे साथ माशाल्लाह, जिनकी आज हमने शो के शुरू में बात की उन्हीं का फोन है। अस्सलाम वालेकुम रंजीता। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी रंजीता? नहीं आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो, नहीं आवाज़ नहीं आ रही। अल्लाह, वेरी सैड। आप दोबारा प्लीज़ ट्राई कर लो। अच्छा, इसमें मैंने वो डाल दिया, आधा चम्मच चिली पाउडर, लेमन जूस जाएगा 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, और इसमें जाएगा पिंच ऑफ ऑरेंज रेड कलर, वो जो तंदूरी कलर होता है ना, वो मैं अभी थोड़ा सा डाला है, बाद में डालूंगी मैं। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। कॉलर रंजीता हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सुमेरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बस आई एम फाइन, एंड एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू विश बिलेटेड बर्थडे बिग बैश टू योर ट्विन एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू एलविना। थैंक यू रंजीता, आई वांटेड टू कॉल बट आई वाज जस्ट बिजी एंड कुडंट कॉल, एंड विश देम बिग सक्सेस एंड हेल्थ इन योर लाइफ। थैंक यू, and thank you for complying the request of fruit icing cake. You're most welcome. Wanting to learn it from you. You're most and welcome. Secondly, आप तो रोज सुबह मेरे साथ मेरे ब्रेकफास्ट टेबल पे रहती हैं। जब से आपने पिज्जा ऑमलेट सिखाया मेरे घर में, तो ब्रेकफास्ट में तब से वही बनता है। Seriously? Thank you ever so much. इतनी सिंपल रेसिपी। Thank you. It's really relishing for all of us out there. Thank you for appreciating. ऐसे ही हमें सिखाती रहिए, और हम हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, बिकॉज यू डिजर्व इट। आपका प्यार है, योर क्रिएटिवनेस, प्रेजेंटेशन, ऑल होल्ड मोर देन 11 मार्क्स आउट ऑफ 10। थैंक यू रंजीता, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इट्स अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग इतना प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। सारी चीज़ें चली गई इसमें, मैंने इसको मैरिनेट करना है आधे घंटे के लिए। आधा किलो बोनलेस चिकन क्यूब्स में मैंने डाला मैदा 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, एक अंडा, कुटावा भुनावा ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटावा धनिया पाउडर सॉरी 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, और पिंच ऑफ ऑरेंज रेड कलर, ये तंदूरी कलर, इसको एक्चुअली जो कहा जाता है वो उसको तंदूरी कलर कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने इसको मैरिनेट कर दिया। अब हम यहाँ पर स्क्वर्स हैं, अब हम इन चिकन के क्यूब्स को इन स्क्वर्स पे लगाएंगे। स्क्वर्स पे लगाने के बाद ये मैंने अपना एक ये जो बचा लिया था चावल का आटा, स्क्वर्स पे लगाने के बाद इसको मैं उस पर पूरा अच्छे से स्प्रेड करूँगी, और फिर ये फ्राई होगा। जब ये फ्राई होगा, फ्राई होने के बाद फिर मैं यहाँ पर अलग से बनाऊँगी इसकी बघार, और फिर हम बघार में इन स्टिक्स को रोल करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसकी सॉस बनाएंगे, और सॉस को उसके ऊपर ड्रिजल करके और फिर सर्व करेंगे।
तो ये आपकी हाई टी के लिए है, ये आपके डिनर के लिए है, ये आपके लंचेस के लिए है, ये बच्चों के स्नैक के लिए है, ये किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। ये कहीं भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप इसको कहाँ यूज़ करोगे। ईद ट्रॉली पे यूज़ करें, रमज़ान में यूज़ करें, जिस तरह भी आपको चाहिए यू कैन यूज़ दिस। अच्छा, मैंने कलर बचा लिया था, आई एम सो ग्लैड, वरना वो बहुत ज़्यादा हो जाता। ठीक है, ये इसको मैं छोड़ूंगी थोड़ी देर मैरिनेट होने। बघार के लिए मुझे चाहिए इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल, उसमें मैं अपनी बघार बनाऊंगी। राई दाना हाफ टी स्पून, कड़ी पत्ते यहाँ पर मेरे पास हैं 10 से 12, और इसमें जाएगा हरा धनिया और कुटी हुई लाल मिर्ची, ये सब कुछ जाएगा हमारी बघार में। और फिर हम सॉस बनाएंगे। ब्रेक का टाइम आ गया है, आप लोग जल्दी से छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएँ। ना मैं अभी बघार को कुछ कर रही हूँ, ना मैं सॉस को कुछ करूँगी, मैं सिर्फ अभी अपनी चिकन को स्क्वर्स पे लगाऊँगी। दोनों चीज़ें वापस आके आपके सामने करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने अपनी फायर चिकन स्टिक्स को मैरिनेट किया था। आधा किलो चिकन में मैंने डाला था मैदा 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून, एक अंडा कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, और इसमें मैंने डाला था पिंच ऑफ तंदूरी ऑरेंज कलर। ये सब कुछ डालकर मैंने इसको छोड़ दें, आप लोगों ने 1 घंटे तक इसको मिनिमम छोड़ दें, काफ़ी होगा। एक चीज़ रह गई थी रेसिपी कार्ड में जो मैंने खुद ऑब्वियसली छोड़ी थी, वो है चावल का आटा। जब ये स्क्वर्स पे लग जाएगा तो इसके ऊपर आपने अच्छे से चावल का आटा स्प्रिंकल कर देना है। ये आधा मैं इधर कर रही हूँ, आधा फिर मैं इसको टर्न करके फिर करूँगी। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी इसकी बघार। पहले मैं बघार बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी बनाऊँगी सॉस, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, बघार के लिए मुझे चाहिए इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, और इधर भी मैं अपना ऑयल डाल देती हूँ फ्राई के लिए। पोमेस ऑलिव ऑयल है ये इटालिया का, आपको पता है इटालिया के 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं, जो कि मैं हर वक्त आपको बताती हूँ। ये हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग है, बेकिंग है, हर चीज़ में। सैलड्स के लिए तो आपको पता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ट्यूसडेज़ को हम लोग बेकिंग करते हैं, उसमें भी हम इटालिया यूज़ करते हैं। बस इतना ही काफ़ी है ये। अच्छा, बघार के लिए मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून, और मैं इसमें डालूँगी राई दाना 1/2 टीस्पून, कड़ी पत्ते 12 से 15, और इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्ची है 1/2 टीस्पून। हल्के से राई दाना कड़कने लगेगा, मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। बहुत मज़े की स्टिक्स बनती हैं ये, क्रिस्पी भी होती हैं, और इसमें जो कड़ी पत्ते की खुशबू आएगी, और फिर इसकी जो अभी सॉस हम बनाएंगे इटालिया की हनी से, मस्टर्ड पेस्ट, लहसुन, धनिया, चिली सॉस, बहुत आप देखो इसमें भी चिलीज़ हैं, उसमें भी है, तो इसीलिए इसका नाम फायर है। बस चूल्हा मैं इसका बंद कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि ये काला हो जाए। अब मैं यहाँ पर इसकी सॉस बना देती हूँ। ठीक है, सॉस के लिए मुझे चाहिए मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून,
ये सॉस आप बना के बॉटल भर के रख भी सकते हो, 2 वीक्स तक भी ये ख़राब नहीं होगी। अच्छा मेयोनीज चली गई, इसमें अब मैं इसमें डालूंगी गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून, सिर्फ गार्लिक है, जिंजर गार्लिक नहीं है, और इसमें जाएगी चिली सॉस 1 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट 1/2 टीस्पून, इटालिया की हनी 1 टेबलस्पून, थोड़े से धनिया, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर। चिली, रेड चिलीज हर जगह हैं, इसीलिए ये फायर चिकन स्टिक्स हैं। अच्छा मिर्चें जो लाल मिर्ची है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, बट देन आप ये देखो कि इसमें हमने हनी भी ऐड किया है सॉस में, और चिली गार्लिक सॉस है तो वो इसका इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है ये हो गया, यहाँ पर ये मेरा रह गया है जो कि आपको पता है ज़ाया नहीं होगा, गार्निश में मुझे काम आएगा। ये मेरी बघार रेडी है, अब मैं फ्राई करूँगी अपनी चिकन स्टिक्स को इटालिया के ऑलिव ऑयल में। बहुत तेज़ आंच पे नहीं तलनी है क्योंकि चिकन बिल्कुल कच्ची है। इसी तरह आप इसको स्प्रिंकल कर देना चावल के आटे को। मैं अभी ये नहीं डालूंगी, मैंने सही वक्त पे इसको देख लिया, तेल बहुत गर्म हो गया है। तेल बहुत गर्म हो गया था, मैं अभी इसको नहीं डालूंगी, मैं इसको 2 मिनट के बाद डालूंगी। आई डोंट वांट कि वो बिल्कुल जल जाए क्योंकि चिकन बिल्कुल कच्ची है, तो इसको डाल के और निकालना नहीं है, इसको अंदर छोड़ना है पकने के लिए। अच्छा आज की जो हमारी तीसरी रेसिपी है, आई होप आपको ये दोनों रेसिपीज़ तो समझ आ गई होंगी। जो हमारा मैक्रून डिज़र्ट था उसको तो मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया, इसको भी बल्कि मैंने रिपीट कर दिया है। इसमें सिर्फ 2-3 स्टेप्स हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। चिकन को आपने पहले मैरिनेट करना है, उसकी बघार बनेगी 3 चीज़ों के साथ, और उसकी सॉस बनेगी ये भी 3 से 4 चीज़ों के साथ। उसके बाद जो सर्विंग होगी वो सारा कुछ मैं आपके सामने करूँगी, तो आप वो देख लेना। ब्रेक का टाइम आ गया है, ठीक है ब्रेक का टाइम आ गया है, आप लोग ब्रेक्स लेके जल्दी से वापस आएँ, फिर मैं यहाँ पर अपनी थर्ड रेसिपी स्टार्ट करूँगी, विच इज़ अनदर डिलिशियस रेसिपी, पास्ता है, इट्स अ पास्ता कैसरोल। तो ठीक है आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहिए, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। ब्रेक में मैंने चिकन को अपने राइस फ्लावर में अच्छे से कोट करके और मैंने कढ़ाई में इसको डाल दिया, तेल हो गया था ठंडा। अब हम बनाएंगे बहुत मज़े का कैसरोल, पास्ता कैसरोल, पिकांतो कैसरोल जी जी। इटालिया का पोमेसोलिव ऑयल हमने उसमें डाला है। अच्छा, ये भी बहुत सिंपल है। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आपको थोड़े से ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, वो आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको बताऊँगी किस तरह यूज़ करने। किसी भी खूबसूरत शेप का पास्ता आप यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है इटालिया के पास भी बेहतरीन किस्म के हर ऑलमोस्ट हर शेप का पास्ता है। दिस इज़ इटालिया का पास्ता। और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जो मैं इसमें डालूंगी वो मैं डालूंगी बटर और ऑयल, दोनों को थोड़ा सा फ्राई करूंगी। मैंने आपको बताया था कि आई ऑलवेज़ लाइक टू मेक माय पास्ता इन बटर एंड ऑयल बोथ, उसका एक अच्छा सा फ्लेवर है, एक अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, ऑयल और बटर यहाँ पर डाल के और फिर मैं इसमें चॉप्ड अनियन डालूँगी। चॉप्ड अनियन है मेरे पास एक प्याज को आपने फाइनली चॉप करना है और वो डालना है। जब ये थोड़ी सी लाइट गोल्डन हो जाएगी, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर। बहुत डिफरेंट बनेगा ये कैसरोल डिश में। इसको निकाल के ऊपर से चीज़ डाल के फिर हम इसको ग्रिल करेंगे। और ये जो चिकन आपने यहाँ पर डाली है इसको आपने छेड़ना नहीं है, वरना इसका मसाला सारा उलट पुलट हो जाएगा। इसी तरह डाल के इसको छोड़ दें 6-7 मिनट्स ऑन ईच साइड, फिर इसको टर्न कर लेंगे। अच्छा, सॉसेज में यहाँ पर मेरे पास है पेरी पेरी सॉस, और मेरे पास है टोमेटो प्यूरी, केचप, मेयोनीज़, क्रीम, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और सीजनिंग्स में मेरे पास है चिली पाउडर, काली मिर्चें जाएगी इसमें और नमक जाएगा। कॉलर है हमारे साथ सुमेरा जी। अस्सलाम वालेकुम। और कैसी है सुमेरा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? ठीक है। आप बहुत अच्छी आज की तीनों रेसिपियाँ बहुत ज़बरदस्त बना रही हैं। थैंक यू, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीकेंड आ रहा है। आपकी लाजमी हम लोग डिशे तैयार ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग श्री आपा, और आप लोग माशाल्लाह से बहुत ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो घर बैठे हमें सीखने को मिलती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी सवाल का जवाब? मैं सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए। ब्रेड को ड्राई करके यूज किया जाता है। ठीक है, फ्रेश भी यूज किया जाता है, ड्राई करके भी ब्रेड को यूज किया जाता है, ब्रेड क्रम्ब बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक जी, ठीक है। हमारा आपको हमारी तरफ से सलाम। जरूर जरूर जरूर। वालेकुम सलाम, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको आपको टर्न करना है और ट्राई कीजिएगा कि ये एक दूसरे से ओवरलैप ना हो, सिंगल लेयर में इसको डालिएगा, वरना फिर मसाला सारा निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये हो गई है प्याज सॉफ्ट, इसी टेक्सचर में मुझे चाहिए थी ये। अब ये सॉफ्ट हो गई है, इसका हल्का सा मैं चूल्हा हल्का करूँगी और फिर मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर यहाँ पर है मेरे पास 2 टेबलस्पून। अच्छा, कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी सारी सॉसेस, सारी सीजनिंग्स, और यहाँ पर मेरे पास है टमाटर। टमाटर 4 हैं, ये बिल्कुल बारीक चॉपराइज हुए हैं। पहले मैं टमाटर डाल देती हूँ सो दैट कॉर्नफ्लावर जाके उसमें चिपक नहीं जाए। टोमेटोज के बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून्स कॉर्नफ्लावर, और इसको मैं अभी वो नहीं करूँगी, इसमें मैं पानी जाएगा इसमें 1 कप, तो मैं पानी इसके साथ इसी में डाल के डालूँगी।
अब इसमें जाएंगी सारी सॉसेस और सीजनिंग्स। अच्छा, सॉसेस में मेरे पास है मेयोनीज, मेयोनीज इसमें जाएगी 4 टेबलस्पून्स, क्रीम मैं लास्ट में डालूंगी, पेरी पेरी सॉस 2 टेबलस्पून, टोमेटो प्यूरी 2 टेबलस्पून्स, टोमेटो केचप, टोमेटो केचप है हमारे पास 1/2 कप, 4 to 5 टेबलस्पून्स, और इसमें जाएगा कोरमा मसाला। ये देखें कितना फ्यूजन है, ये सॉसेस भी हैं और इसमें मैंने कोरमा मसाला भी डाला है 2 टेबलस्पून। अच्छा, अब जो बाकी के रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं अब मैं वो डालूंगी। वो हैं हमारे पास ब्लैक पेपर, चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर है मेरे पास 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, कुटावा भुनावा जीरा 1 टीस्पून, कोरमा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, ये सब कुछ आएगा वापस। ओके, अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली गार्लिक सॉस, ग्रीन वाली 2 टेबलस्पून्स, क्रीम और चीज़ यहाँ पर मैंने छोड़ दी है, क्रीम मैं लास्ट में डालूंगी। चीज़ हम कैसरोल डिश में जब इसको निकालेंगे उसके ऊपर से स्प्रिंकल करके ये ग्रिल होगा हार्डली फॉर 5 to 10 मिनट्स। बाकी सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं, ब्रेक का टाइम आ गया है, आप लोग वापस आए मैं आपको एक दफ़ा समझाऊंगी शुरू से कि इसमें क्या क्या डाला। अभी जब तक आप लोग ब्रेक पे जा रहे हैं मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी, 1 कप पानी डाल के और मैं इसको मिक्स करूंगी ताकि सारी सॉसेज और मसाले ठीक से पक जाएं। ये सारा कुछ वेजिटेबल्स वगैरह आने के बाद मैं डालूंगी, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। ब्रेक पर ये चिकन मैंने अपनी निकाल दी, निकालने के बाद मैंने इसमें अपनी बघार डाल दी, अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी। अच्छा, ये गार्लिक ब्रेड इसके लिए नहीं बनी थी, पर वो ज़रूरी नहीं है, मैं आपको कहती हूँ ना कि कोई चीज़ आप उसी स्पेसिफिक रीज़न से यूज़ करें। ये गार्लिक ब्रेड मैंने बनाई थी अपने कैसरोल के लिए, पर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इसके साथ भी सर्व कर दूँ। और मैं ये भगार दोबारा से इसके ऊपर डालूंगी, बिकॉज जो फ्लेवर है वो इसी भगार का आएगा, तो आप इसको वेस्ट नहीं करना। बट पहले एक एक्स्ट्रा प्लेटर में निकाल देना सो दैट जो आपका प्रेजेंट करने वाला प्लेटर है वो ख़राब ना हो। और ये सॉस जो हमने बनाई थी इसको मैंने अपनी इस बॉटल में डाल दिए, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको नॉर्मल भी ड्रिजल कर सकते हैं, बट आपको पता है कि ये इस तरह ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
फायर चिकन स्टिक्स, इसको मज़ीद फायर बनाने के लिए हम इस पर रेड चिली, हालांकि ये इस पर ये इतना उठेगा नहीं बिकॉज़ ये रेड है, बट बिकॉज फायर हमारी चिकन स्टिक है तो हम इसको ठीक है ये रेडी हो गया। अच्छा ये गार्लिक ब्रेड मैंने कैसरोल से कैसरोल के लिए बनाई है, और ये इतनी छोटी कैसे बनी है, बहुत सिंपल तरीका है, मैं भी आपको दो मिनट बाद बताती हूँ। पहले जल्दी से हम इस पे आ जाते हैं क्योंकि मुझे इसको ग्रिल करना है। ये सॉस को मैंने आपको बताया था कि एक कप पानी डालकर मैंने इसको छोड़ दिया, ये रेडी हो गई है। अब इसमें मिक्स बॉइल्ड वेजीज डाल दिए मैंने एक कप। आजकल आपको पता है सब्ज़ियाँ आ गई हैं, इटालिया के मटर आप ले लो, इटालिया का स्वीट कॉर्न ले लो, बीन्स ले लें, और किसी भी शेप का पास्ता। टू कप्स, वन कप रॉ लो, बॉयल होके वो टू कप्स हो जाता है। लास्ट में मैं डालूंगी इसमें क्रीम। अच्छा कॉलर है हमारे साथ फिरोजा फ्रॉम सखर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं तुम मेरा? वेलकम टू मसाला चैनल। थैंक यू, आप कैसी हैं फिरोजा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी आंटी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह सुमेरा, हमेशा की तरह आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी आप हमें सिखा रही हैं। थैंक यू। और बिल्कुल न्यू रेसिपीज हैं, इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। और काफी प्रोग्राम मेरा मिस हो गया, थोड़ा बिजी थी इसलिए मैं आपके प्रोग्राम भी नहीं देख सकी और आपको कॉल भी नहीं कर सकी। कोई बात नहीं फिरोजा, आप उस पे यूट्यूब पे देख लीजिएगा। जी जी इंशाल्लाह मैं सारी रेसिपीज जो है वो देख लूंगी और ट्राई करूंगी। आज की रेसिपी बहुत अच्छी बना रही है, इंशाल्लाह ये भी ट्राई करूंगी। और आज एक पोएट्री आपको और आपकी आंटी के आंटी के नाम कर दूं। जी बोलो। मेरा इश्क हो तुम्हारी जात हो, फिर हुस्न इश्क की बात हो, कभी हम मिले मुलाकात हो, कभी तुम हो चुप कभी मैं हूँ चुप, कभी हम दोनों की बात हो, कभी मैं तुम्हारी कभी तुम मेरी, कभी सौबतें कभी रंजिशें, कभी दूरियां कभी कुर्बतें, कभी उल्फतें कभी जीत हो कभी हार हो, कभी याद हो कभी तुम्हारा दीदार हो, सिर्फ मेरा इश्क हो तुम्हारी जात हो, कोई ऐसी भी मुलाकात हो। थैंक यू फिरोजा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू। अच्छा तो ये क्या किया हमने, अपने सारी बॉइल्ड जो वेजिटेबल्स है वो एक कप, और जो हमारा बॉइल्ड पास्ता था वो हमने पूरी अपनी सॉस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर मैं ग्रेटेड चेडर चीज़ डालूंगी और फिर मैं इसको ग्रिल करूंगी जस्ट फॉर 4 to 5 मिनट्स के चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, और फिर इसको मैं सर्व करूंगी गार्लिक ब्रेड जो मैंने बनाई है। अब ब्रेक का टाइम आ गया है, रिकैप ब्रेक है ये, तो आप लोग जाके सारी रेसिपीज़ ठीक से देखें, जो नहीं समझ आए मुझसे पूछिएगा, वापस आ जाएं फिर मैं आपको बताती हूँ कि गार्लिक ब्रेड मैंने कैसे बनाई। स्टे विद अस। फायर चिकन स्टिक्स, अच्छा बोनलेस चिकन आधा किलो, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, ऑरेंज कलर 1 चुटकी, नमक 1 चाय का चमचा, भगार के लिए अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, राई आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 15 अदद, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सॉस के अज्जा, मेयोनीज 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, शहद 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, स्वीट चिली सॉस 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी। तरकीब, सॉस बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके रख दें। अब चिकन को मैदा, चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन, अंडा, जीरा, धनिया, नमक, सोया सॉस, नींबू का रस और ऑरेंज कलर से मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इन्हें स्क्यूर्स पर लगाकर राइस छिड़कें और गर्म तेल में दरमियानी आँच पर 10 मिनट फ्राई करें।
अब एक और बर्तन में भगार के अज्जा शामिल करके पकाएं और भगार तैयार करें। आखिर में चिकन स्क्यूअर्स पर भगार डालकर सॉस शामिल करके सर्व करें। कोकोनट चॉकलेट मैक्रोन पाए। पाई बेस बनाने के लिए अज्जा: फूटे कोकोनट मैक्रोन 40 ग्राम, पिघला मक्खन 4 औंस। फिलिंग के लिए अज्जा: पिटी हुई क्रीम 1.5 कप, चॉकलेट सिरप आधा कप, भीगी जेलेटिन 1 खाने का चमचा, कंडेंस्ड मिल्क 4 खाने के चमचे, हेजलनट 4 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ 100 ग्राम, कोकोनट एसेंस आधा चाय का चमचा, कटी चॉकलेट 1 कप। तरकीब: मैक्रोन्स को कूट कर पिघले मक्खन में मिक्स कर लें। अब इन्हें पाई प्लेट में डालकर बेस बनाएं। फिलिंग के लिए क्रीम को व्हिप्ड करके चॉकलेट सिरप शामिल कर लें। फिर इसमें क्रीम चीज़, हेजलनट, कोकोनट एसेंस और कंडेंस्ड मिल्क डालकर मिक्स करें। उसके बाद इसे भीगी जेलेटिन में फोल्ड करके रख दें। अब पाई चॉकलेट पर पहले कटी चॉकलेट, फिर इस पर फिलिंग शामिल करके ठंडा होने रख दें। उसके बाद सर्व करें। फायर चिकन स्टिक्स अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, चावल काटा 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, ऑरेंज कलर 1 चुटकी, नमक 1 चाय का चमचा। भगार के लिए अज्जा: तेल 2 खाने के चमचे, राई आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 15 अदद, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सॉस के अज्जा: मेयोनीज 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, शहद 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, स्वीट चिली सॉस 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी। वेलकम बैक। यहाँ पर कैसरोल भी रेडी है। मैंने आपको बताया था इसको कुछ भी नहीं करना था, बस जल्दी से आपको इसको 10 मिनट्स के लिए ग्रिल करना है, सिर्फ कि ये इसका चीज़ मेल्ट हो जाए। ओरिगानो मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ इटालियानो के। और एक चीज़ जो मुझसे रह गई थी वो ये थी कि मैं सोच रही थी क्यों इतना इनकम्प्लीट लग रहा है। ये इसलिए लग रहा था क्योंकि मुझे इसमें चॉकलेट चिप्स डालने थे। आप इसमें मिल्क वाले भी डाल सकते हैं, वाइट भी डाल सकते हैं। इटालियनों के वाइट चॉकलेट चिप्स हैं। ये वाइट चॉकलेट चिप आपको याद होगा एक ज़माने में मिलते भी नहीं थे। अब आप देखो कितना कन्वीनियंट है, ये तीनों हैं, वाइट भी है, मिल्क भी है और डार्क भी है। ये हो गया। और गार्लिक ब्रेड, हाँ बिल्कुल गार्लिक ब्रेड इस साइज़ की कैसे बनी है, क्योंकि जो वो डिनर रोल नहीं, नॉट डिनर रोल, जो हॉट डॉग के बन, हॉट डॉग के जो बन बनते हैं ना, मैं हमेशा गार्लिक ब्रेड उससे बनाती हूँ। उसलिए रीज़न ये है कि छोटी होती है, आप एक दो खा लें बट ज़ाया नहीं होती है। और इस पे गार्लिक लगाया था, फ्रेश गार्लिक। मैं अपनी गार्लिक ब्रेड पे हमेशा फ्रेश गार्लिक लगाती हूँ। बटर, सॉल्ट एंड पिंच ऑफ पेपर एंड फ्रेश पार्सले, इस सब का मिक्सचर बना के ब्रेड पे लगा दें। दिस इज़ प्लेन गार्लिक ब्रेड। अगर आपको चीज़ी गार्लिक ब्रेड चाहिए तो फिर आप उसके ऊपर थोड़ी सी चेडर चीज़ डाल के और फिर बेक कर दें। आई होप आपको आज का शो समझ आ गया होगा, रेसिपी सारी समझ आ गई होंगी। सिंपल थी, कोशिश करके दो दो तीन तीन बार समझा दी। एक ये कैसरोल, बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं समझाया, लेकिन कैसरोल बहुत सिंपल है। सॉस बना के पास्ता और बॉयल्ड वेजिटेबल्स उसमें सारे फोल्ड करने, सॉस जिस तरह रेसिपी में लिखी हुई है उसी तरह बनेगी। आज की हमारी विनर हैं मिसेस कामरान फ्रॉम कराची। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, इस जो आयन है एनेक्स की वो बहुत जल्द मिल जाएगी। आप लोगों को कहा है
کراچی والے جو ونرز ہوتے ہیں ان کو جلدی گفٹ مل جاتے ہیں, جو باہر والے ہوتے ہیں ان کو 10 سے 15 دن 20 ڈیز تک لگ سکتے ہیں. اچھا, شو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے 6:30 ملاقات ہوگی, اور کل بھی ایز یوزول میں بھول چکی ہوں کیا ہے پلان میں, کیونکہ فی الحال تو نیکسٹ ویک میرے سر پر ہے. بٹ اوبویسلی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایزی والی اور مزے کی ریسیپیز ہی ہوں گی. تو کل 6:30 پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, ریسیپیز ضرور ٹرائی کیجیے گا. جس طرح فیڈ بیک دے رہے ہیں اسی طرح دیتے رہیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.